हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन, आप देख रहे हैं टेक जयमीन। दोस्तों फाइनली यहाँ पे वन प्लस नॉर्ड जो नॉर्ड सीरीज का पहला स्मार्टफोन था वो यहाँ पे, उसमें आपको जो एंड्रॉयड 12 है ऑफिशियली यहाँ पे जो रोल आउट होना शुरू हो चुका है, मेरे में अपडेट आ चुका है। हालांकि बहुत ही लेट हुआ है, कई सारे स्मार्टफोन जो अंडर 20,000 के शाओमी के फ़ोन है, कई सारे फ़ोन है जिसमें आपको एंड्रॉयड 12 पहले ही देखने को मिला था, लेकिन वन प्लस ने ये पहला फ़ोन था नॉर्ड सीरीज़ का, फिर भी यहाँ पे उन्हें बहुत ही लास्ट में आपको ये अपडेट देखने को मिलता है। ये अपडेट करीबन 4 GB का अपडेट है और बहुत सारे चेंजेस के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं, तो हम इसी अपडेट के बारे में बताना चाहूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहूँगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका जो कोड है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे 4 GB की फाइल है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पे जैसे मैं अबाउट सेक्शन में जाऊँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अप टू डेट लिख कर आ गया है, और यहाँ पे उसका जो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन ओएस 12.1 लिखा हुआ है और एंड्रॉयड 12 लिखा हुआ है, और पीछे की तरफ आपको इसका कोड यहाँ लिखा हुआ है, और बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत लंबी है तो मैं यहाँ पे इसलिए स्किप कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे जैसे हमें बैक जाएंगे और यहाँ पे जो पहला जो चेंजेस है वो यही है कि जो मेजर चेंजेस मुझे लगता है कि एंड्रॉयड 12, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एंड्रॉयड 12 का जो लोगो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंड्रॉयड 12 ऑफिशियली हमको देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही मेजर बात है कि वन प्लस नॉर्ड में आपको ये अपडेट देखने को मिलता है विथ एंड्रॉयड 12। बहुत ही टाइम लगा, लेकिन जैसे दूसरे चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे 5 जुलाई 2022 का आपको यहाँ पे अपडेट यानी कि सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सिक्योरिटी पैच लेवल भी आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाता है। तीसरे चेंजेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रैम एक्सटेंशन वाला पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर मेरे पास जो 8 GB की रैम है तो उसमें ऑलरेडी मैंने 3 GB बढ़ा के रखी है, अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगी, लेकिन जैसे मैं इसे अनेबल करूंगा और कोई भी चेंजेस करूंगा तो ये फोन रिस्टार्ट हो जाएगा और रैम एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये आपको जो, अगर आप गेमिंग ज्यादा खेलते हो, अगर आपको रैम कम लगती है तो इसे बढ़ा सकते हो। दूसरे चेंजेस की बात करूँ तो यहाँ पे पहले से ज्यादा यहाँ पे जो सेटिंग पेज है वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो ये एक मेजर मुझे लगता है कि चेंजेस है। बाकी सब कुछ यहाँ पे, जैसे कोई भी आप UI खोलेंगे अंदर की तरफ तो यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल सा जो चेंजेस है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे ब्लूटूथ के डिवाइस में जाऊँगा, कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाऊँगा तो थोड़े बहुत आपको चेंजेस, जो आइकन्स हैं वो थोड़े से छोटे हो गए, हालांकि थोड़ा बहुत कलर OS 12 का कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। और इसके आपको एक वन प्लस ने तो ऑफिशियली बता दिया था कि यहाँ पे कलर OS का इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा ऑक्सीजन OS 12 में, तो ये जो पहले जो स्टॉक एंड्रॉयड वाली फीलिंग थी वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, क्योंकि जैसे आप देखोगे कि जो आइकन्स है वो सारे के सारे जैसे कलर OS में देखने को मिलते हैं वैसे वाले आइकन देखने को मिल जाते हैं। हालांकि मेरे पास कई सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि यहाँ पे थीम स्टोर है वो यहाँ पे कलर OS की आ चुकी है, यहाँ पे शॉर्टकट मेकर है वो आ चुका है, यहाँ पे जो रिकॉर्डर है वो अलग से आ चुका है, और भी कई सारे जैसे कि जेन मोड है वो यहाँ पे अलग से आ चुका है। 3-4 एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी थी तो यहाँ पे मैंने कुछ एप्लीकेशन अनइंस्टॉल भी कर दिए, तो आइकन चेंज हो चुके हैं, सब कुछ नॉर्मल जो चेंज होना चाहिए वो ज्यादातर चेंज हो चुका है, तो ये एक अपडेट है। दूसरी बात चेंजेस की बात करें तो जैसे सेटिंग में जाएंगे तो पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में, तो जैसे पर्सनलाइज में जाएंगे तो थोड़ा बहुत आप लुकआउट यहाँ पे कलर OS जैसा देखने को मिल सकता है, यहाँ पे सेम वैसा ही यहाँ पे काम किया है, क्योंकि वन प्लस ने पहले ही बता दिया था कि ऑक्सीजन OS और कलर OS का थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन देखने को मिल जाएगा, तो वो यहाँ पे हो रहा है। तो पहला यहाँ पे वॉलपेपर्स है, तो वॉलपेपर्स में आपको कई सारे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएगा, और मोर वॉलपेपर करेंगे तो जो उनका खुद का जो थीम स्टोर है उसमें से आपको यहाँ पे वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे वॉलपेपर है और स्टॉक वॉलपेपर भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक और बात की, अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप क्लॉक यूज करते हो तो यहाँ पे बीट मोजी का ऑप्शन है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो वो एक चेंजेस है। बाकी कोई ज्यादा चेंजेस है, जो पहले जो क्लॉक देखने को मिली थी वही सेम क्लॉक यहाँ पे देखने को मिल जाती है, थोड़ी बहुत ही डिजाइन चेंज है, ज्यादा फर्क नहीं है। और हाँ, यहाँ पे कैनवास का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगर आप कोई फोटोज करेंगे ऐड तो ये कैनवास में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी बात करूँ तो यहाँ पे आइकन में भी आपको बहुत सारा जो आइकन है वो कलर OS जैसा ही आइकन देखने को मिलेगा, उसमें भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आइकन की साइज बढ़ानी तो वो भी कर सकते हो, हालांकि पहले भी था। अगर कलर भी चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, आइकन की कलर चेंज तो उसी के दौरान कर सकते हो। ऐप नेम आपको बढ़ाना है, उसकी साइज भी कम ज्यादा करनी है तो वो भी कर सकते हो, तो ये चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। अगर आइकन की अगर देखने जाए तो यहाँ पे पेबल देखने को मिल जाता है, मटेरियल स्टाइल देखने को मिल जाता है, और डिफॉल्ट में आपको जो है वो शायद मुझे लगता है कि ओप्पो के जो आइकन है वो देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर मटेरियल स्टाइल करेंगे तो जो स्टॉक है वही देखने को मिलेंगे जो वन प्लस के खुद के थे।
दूसरे एक और ऐड किए गए, तो वो तीन प्रकार के आपको अलग अलग आइकन देखने को मिल जाएगा, तो जो आपको अच्छा लगे वो चेंज कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे थीम्स, तो थीम्स यहाँ पे अलग यहाँ पे थीम स्टोर ऐड कर दिया है। पहले यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस में नहीं था, लेकिन अब ये कलर ओएस का इंटीग्रेशन होने के बाद यहाँ पे अलग अलग थीम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको थीम पसंद है, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो यहाँ पे कर सकते हो। मुझे ज्यादातर पसंद नहीं है, मुझे स्टॉप जैसा ही पसंद है, तो अगर ये ऐसा नहीं करते तो अच्छा रहता, लेकिन स्टिल यहाँ पे ऐसा कर दिया है। नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे जो क्विक सेटिंग देखने को मिलता है तो वही डिफॉल्ट है। अगर इसमें आपको चेंजेस करने, जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल है, इसमें राउंडेड शेप है, तो अगर इसे स्क्वायर शेप करना है तो वो कर सकते हो, थोड़ा सा राउंडेड करना है तो वो कर सकते हो। छह प्रकार के आपको नोटिफिकेशन पैनल के सेटिंग देखने को मिल जाते हैं, तो इसके आइकन की जो साइज है वो आप चेंज कर सकते हो। दूसरे यहाँ पे कलर्स में भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो एंड्रॉइड 12 में इसकी खासियत थी, तो वही सेम यहाँ पे कलर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे अलग कलर आपको अलग से चाहिए तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, तो ये भी ऑप्शन आपको कलर के देखने को मिल जाता है। फोन 10 डिस्प्ले साइज, तो वो तो पहले था, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन यहाँ पे अलग से ऐड कर दिए, जो पहले 3-4 ही थे, लेकिन यहाँ पे और 3-4 ऐड कर दिए, तो अगर आपको यहाँ पे चेंज करने आपको फिंगरप्रिंट सेंसर की जो एनिमेशन, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड किया है, होराइजन लाइट। जैसे कि नोटिफिकेशन लाइट आपको रेडमी नोट 10 प्रो में देखने को मिलती है, वैसे ही तीन प्रकार की यहाँ पे देखने को मिल जाते, तो इसे भी आप चेंज कर सकते हो। नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो ये ब्लिंक करेगा। तो ये था यहाँ पे पर्सनलाइजेशन ऑप्शन। अगर हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाए तो होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, तो यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कहने की जरूरत है, जैसे आप देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। डबल टैप टू लॉक वो भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आइकन पुल डाउन गेस्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। होम स्क्रीन लेआउट, यहाँ पे स्क्रीन मोड, अगर आपको यहाँ पे ड्रॉअर मोड करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। होम स्क्रीन का जो लेआउट है उसको चेंज करना है तो वो भी कर पाएंगे, तो उसमें कुछ ज्यादा नहीं। हाँ, यहाँ पे कुछ जो ऑप्शन है वो ज्यादातर मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, फिर भी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। दूसरे चेंजेस की बात करें तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, तो अगर आप यहाँ पे डार्क मोड ऑन रखते हो, मैंने यहाँ पे डार्क मोड ऑन रखा है, तो आपको डार्क मोड में सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन डार्क मोड में देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा मीडियम रखना है तो वो कर सकते हो, अगर इसे थोड़ा सा डार्केश करना है तो वो भी आप कर पाएंगे, तो थोड़ा बहुत लाइट अप देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे एनहांस करेंगे तो ये प्रॉपरली ब्लैक देखने को मिल जाएगा, तो उसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं होगा कि कलर अलग से देखने को मिलेगा, तो ये सेटिंग मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। अगर स्क्रीन कलर मोड आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, तीन अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो उसे भी चेंज कर सकते हो। वीडियो कलर एनहांस करना है तो वो भी आप कर सकते हो, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो उसमें कोई कलर चेंजेस करने तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, वो यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, तो यह 19 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, अगर नॉर्मल रखेंगे तो नॉर्मल देखने को मिलेगा और हाई रखेंगे तो 19 हर्ट्ज पे कन्वर्ट हो जाएगा। और कुछ यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं। अगर बात करें यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में, तो साउंड एंड वाइब्रेशन में भी आपको कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता, जो नॉर्मल था वही है, पहले था वैसा ही सेम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट ऑडियो ट्यूनर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगर मूवी रखना है तो वो कर सकते हो, गेम मोड रख सकते हो, म्यूजिक की मोड भी रख सकते हो। अगर बात करें यहाँ पे प्राइवेसी की, तो जैसे प्राइवेसी में जाएंगे तो यहाँ पे ऐप लॉक, हाइड ऐप्स एंड प्राइवेट सेव, ये तीन ऑप्शन अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। ऐप लॉक में तो ऑब्वियसली आपको ऐप लॉक करनी है तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे डायरेक्टली आप ऐप लॉक कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे मैं करूंगा, तो अगर कोई मुझे एप्लीकेशन ऐड करनी है और उसे लॉक करनी है तो वो भी कर सकता हो। हाइड ऐप्स, अगर आपको यहाँ पे जो होम स्क्रीन है उसमें से कोई एप्लीकेशन हाइड करनी है तो वो यहाँ पे आप कर पाएंगे, तो इसे भी आप यूज कर सकते हो। और प्राइवेट सेव, तो ये बेसिकली क्या है कि एक फोल्डर है जिसमें आप अपनी जो प्राइवेट फाइल है वो आप रख सकते हो बेझिझक, तो इसे फिंगरप्रिंट सेंसर भी लॉक करना है तो वो कर सकते हो। इमेज, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, जो भी फाइल रखनी है वो यहाँ पे प्राइवेट सेफ में रख सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे स्पेशल फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको स्पेशल फीचर में जैसे जाएंगे तो क्विक लॉन्च में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आपको जो डायरेक्टली आपको कोई तीन ऑप्शन आपको डायरेक्टली एसेस करने हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हो, तो इसे यूज कर सकते हो, मुझे ज्यादा तो पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पे शेल्फ वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि शेल्फ वाला क्या है कि यहाँ पे सिंपली होल्ड करके स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे शेल्फ देखने को मिल जाएगी, जो एक बेसिकली क्या करता है कि एक आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है, जैसे सेम वैसा ही है जैसे कि ऐप वर्ल्ड आपको MIUI में देखने को मिलता है, वैसा ही यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्पॉटिफाई की एप्लीकेशन का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसकी आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, क्रिकेट का भी यहाँ पे लाइव आपको स्कोर देखने को मिलेगा, और वेदर है, जो भी आप स्टेप्स फॉलो स्टेप्स करेंगे तो वो भी यहाँ पे काउंट करेगा, वेदर भी आपको देखने को मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ पे जो नॉर्मल बेसिक लाइफ में जो चाहिए वो यहाँ पे शेल्फ में देखने को मिल जाता है। अगर इसे आप डिसेबल भी करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली आप डिसेबल कर रहे तो वो हो जाएगा, अगर इसमें आपको कोई कस्टमाइजेशन करना है तो वो भी आप कर पाएंगे, अगर नेवर सेटल की जगह आपको कोई और नाम भी लिखना है तो वो भी आप कर पाएंगे।
अगर कोई भी चेंजेस आपको हाइड करने हैं, कोई भी आपको जो भी जैसे कि स्पॉटिफाई एप्लीकेशन का आपको टूल बॉक्स है वो आपको हाइड करना है, नोट्स है वो हाइड करने है, स्पोर्ट्स मोड है वो भी हाइड करते हैं तो वो कर सकते हो। तो शेल्फ में आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन में इस अपडेट के साथ देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। ये बेसिकली क्या है कि अगर आप कोई वर्क करने जा रहे हो तो इसमें आपको कोई नॉर्मली कुछ काम है तो वही करना है तो उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो और वर्क मोड में आप जा सकते हो। दूसरा यहाँ पे स्काउट का ऑप्शन देखने को मिलता है, ये मुझे समझ नहीं आता है ये क्या है, लेकिन स्टीम भी आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाता है। गेस्टर एंड मोशन में जाएंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। थ्री फिंगर आपको स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर होल्ड करेंगे तो जैसे यहाँ पे मैं होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे जैसे आपको जो भी स्क्रीनशॉट है अगर खींचेंगे तो नॉर्मली जो क्रॉप करना है तो वही क्रॉप करके आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो ये फीचर्स आपको अलग तरह का देखने को मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे एक और ऑप्शन की तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, 1080p तक का आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात, इसमें आपको फ्रेम रेट है वो यहाँ पे 16fps का सपोर्ट देखने को मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तो इसे भी आप यूज कर पाएंगे। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। अगर इसमें आपको वीडियो कोडिंग फॉर्मेट है वो भी आपको चेंज करनी है तो वो कर सकते हो। अगर रिकॉर्डिंग फ्रॉम फ्रंट कैमरा भी करना है, फ्रंट कैमरा वीडियो, तो वो भी आप कर पाएंगे, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे पर्सनली यहाँ पे जो अच्छा फीचर दिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग का लगा, जो अभी तक के फोन में देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे 16fps के सपोर्ट के साथ आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे गैलरी की, तो यहाँ पे गैलरी में मुझे कुछ चेंजेस देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मैं एल्बम में जाऊंगा और नीचे जाऊंगा तो आप देख सकते हो कि रिसेंटली डिलीटेड का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर कोई आपने फोटोज डिलीट की है तो वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। और प्राइवेट सेव, जो मैंने पहले बताया था कि अगर फोल्डर के साथ कोई फोटोज आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फोटोज है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दूसरी चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे कैमरा का जो लेआउट है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। पहले जो कैमरा लेआउट था उसके हिसाब से थोड़ा बहुत फास्ट हो चुका है, पहले ऐसे नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। एनिमेशन थोड़ा सा फास्ट हो चुका है और इसमें आपको जो ऑप्शन पहले थे वैसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, ऑप्शन तो सेम ही रखे, उसमें कोई फर्क देखने को नहीं मिलता कैमरा के मामले में। दूसरी बात, यहाँ पे थोड़ा बहुत एनिमेशन चेंज हुआ है। आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे ऑन करता हूँ जो भी कोई फोल्डर है तो थोड़ा बहुत एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा चेंजेस है। क्रॉप्स है वो भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे जो पहले था वही है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे डिजाइन थोड़ा चेंज हो चुका है। दूसरी बात की बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से नए फीचर्स ऐड हो चुके हैं यानी कि एप्लीकेशन, तो यहाँ पे जेन मोड यहाँ पे अलग से ऐड हो चुका है। दूसरे यहाँ पे शॉर्टकट मेकर है वो यहाँ पे अलग से ऐड हो चुका है। जो क्लॉक्स है उसका आइकन चेंज हो गए, थोड़े बहुत आइकन चेंज हुए हैं जो पहले थे उसके हिसाब से बहुत ज्यादा चेंज हो गए। अगर बात करें गेम मोड की तो अगर गेम मोड में जाऊंगा और इसे एग्री कर दूंगा और इसके सेटिंग में जैसे जाऊंगा, जैसे आप देख सकते हो कि गेम आइकन का भी आप चेंज कर सकते हो, गेम कैप्चर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसे डायरेक्टली प्ले भी कर सकते हो। अगर इसके सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो गेमिंग के आपको अगर गेमिंग ज्यादातर करते हो तो उसमें आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 4D वाइब्रेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, स्मार्ट नेटवर्क स्विचिंग का भी ऑप्शन है, लाइटनिंग स्टार्ट, ऑटोमेटिकली एडजस्ट रिजोल्यूशन, गेम फोकस मोड, ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो इसे आप ऑन कर सकते हो। गेम टूल्स है तो मुझे लगता है कि अगर आप गेमिंग ज्यादातर करते हो तो इसके लिए अच्छा है। हालांकि BGMI तो बैन हो चुके हैं इंडिया में, लेकिन स्टिल अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो तो उसमें भी आपको अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गेमिंग के लिए भी अच्छा फोन है अगर आपको अच्छे फीचर्स भी देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन थोड़ी बहुत चेंज हो चुकी है, मैंने पहले बताया, अगर इसको भी चेंज करना है तो वो आप कर पाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको एडिट करना है तो वो आप सारे ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। अगर VPN का यूज करना है तो यहाँ पे VPN का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दूसरी बात, इसमें आपको एक लाइट मोड भी देखने को मिलता है। अगर आप लाइट मोड में कोई नॉर्मल एप्लीकेशन यूजेज करना चाहते हो तो उसे आप कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली कोई फोन कॉल करना है और सब कुछ नॉर्मल, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप करना है तो इसी के लिए आप लाइट मोड यूज कर सकते हो, तो ये फीचर्स देखने को मिल जाता है। ये थोड़े से चेंजेस है, कुछ ज्यादा मुझे नहीं लगता, मुझे पर्सनली अच्छा ऐसे नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे कलर OS का इंटीग्रेशन देखने को मिल जाता है, तो ये थोड़ी सी मुझे नाराजगी है। तो अगर नॉर्मली ऑक्सीजन OS रहने देते, पहले जैसा थोड़े बहुत एनिमेशन कर देते तो अच्छा लगता, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो कलर OS का इंटीग्रेशन होने के बाद मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आप OnePlus Nord यूज करते हो और उसमें आपको ऑक्सीजन OS 12 का कस्टमाइजेशन देखने को मिला है तो वो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, मुझे ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।